हेलो एवरीवन, पूनम्स मिनी वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं पूनम। आज की मेरी रेसिपी स्नैक्स की है। ये दाल से बना हुआ स्नैक्स है, टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। ये मोठ की दाल है जिसे हम मटकी भी बोलते हैं। अक्सर हम काले चने, छोले, मूंग, मसूर इस तरह की दाल का यूज़ करते ही रहते हैं, लेकिन मोठ की दाल हम कम ही लाते हैं मार्केट से। तो आज मैंने मोठ की दाल की रेसिपी शेयर की है। पसंद आए रेसिपी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो सभी दालों में प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, तो इस दाल में भी होता है। लेकिन इस दाल में एक खास तरह की चीज़ होती है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक स्ट्रेस रिलीवर का काम करती है। जिन लोगों को तनाव ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, उन्हें अपने खाने में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। दाल के रूप में बना के खा सकते हैं, इस तरह से स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं। इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। और सबसे अच्छा यूज़ जो इसका होता है वो है स्प्राउट, अंकुरित करके इसे खाया जा सकता है। मैंने इसे कैसे बनाया है इसकी रेसिपी देख लेते हैं। ये एक कटोरी दाल थी जिसे मैंने भिगो दिया था रात को। अब ये सुबह भीग के एकदम तैयार है, फूल गई है। कम से कम दो कटोरी से ज़्यादा हो गई है ये। तो एक बोल में छन्नी लेते हैं और इसे छान लेते हैं, इसका पानी निकाल लेते हैं। पानी को फेंकेंगे नहीं, पानी से हम आटा गूंथ सकते हैं या फिर इसी दाल में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी सब्ज़ी में डाल सकते हैं। तो पानी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, पानी को फेंकना नहीं है। दाल का पानी निकाल लिया है, अब इसे बना लेते हैं। गैस पर एक पैन रख दिया है। दो चम्मच डाल देते हैं सरसों का तेल। सरसों का तेल का ही यूज़ करती हूँ मैं अपने खाने में, रिफाइंड तेल का यूज़ नहीं करती हूँ। तेल गर्म हो जाए तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चुटकी भर हींग और आधा चम्मच ज़ीरा। तो हींग ज़ीरा डाल दिया है। एक मिनट के बाद डाल देंगे इसमें कटा हुआ लहसुन। लहसुन को भी थोड़ा सा भून लेते हैं। लहसुन के बिना इसका टेस्ट एकदम अधूरा सा है, तो लहसुन बहुत अच्छा लगता है इसमें। लहसुन भुन जाए तो उसके बाद डाल देते हैं कुछ कड़ी पत्ते। तो ये मैंने कुछ कड़ी पत्ते डाल दिए हैं, इन्हें भी थोड़ा सा भून लेते हैं। और उसके बाद डाल देंगे इसमें टमाटर। एक टमाटर है बड़े साइज़ का। टमाटर के साथ में ही ऐड कर देंगे प्याज, बहुत पतला पतला और लंबा लंबा प्याज काटा है। प्याज को तेल में नहीं डाला है पहले, प्याज एकदम मुरझा जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो प्याज और टमाटर को खाली मिक्स करना है, कुचलना नहीं है। इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा डाल देते हैं नमक। मसालों का यूज़ इसमें मैंने अभी नहीं किया है। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गया है तो अब इसमें हम दाल डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे दाल। दाल को भी मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा डाल देते हैं पानी, जो पानी हमने दाल से निकाला था उसी पानी को थोड़ा सा डाल देंगे। ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है पानी, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। ढक देते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट के बाद इसे चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाला था तो 5 मिनट में पानी सूख गया है और दाल तो पक गई है। भीगी हुई दाल थी तो बहुत जल्दी पक गई है, इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच मैगी मसाला। गरम मसाले का यूज़ भी किया जा सकता है, मैं मैगी मसाला यूज़ करती हूँ। मैगी मसाला से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। ये बनके एकदम रेडी है, एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट है। अब इसे हम बोल में निकाल लेंगे। मिर्च का यूज़ मैंने इसमें पहले नहीं किया है। जब हम इसे सर्व करेंगे तो उस समय छोटे छोटे हरी मिर्च के टुकड़े काट के मिक्स कर सकते हैं। वो कच्ची वाली हरी मिर्च खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। इसे हम रोटी या पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।